गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर क्लास थर्ड सब्जेक्ट रीजनिंग. दिस इज आवर चैप्टर नंबर 9, पजल एंड ब्लड रिलेशन, लेक्चर नंबर 9. नाउ बेटा, आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ पजल एंड ब्लड रिलेशन. पजल Puzzle refers to something confusing that is to be solved. Puzzle में कुछ बेटा confusing होता है जो कि हमें solve करना होता है. Clear? Now what is blood relation? In blood relation, types of questions, normally 2 or 3 generation of a family is given and their names are given. We have to read the question and find the correct order of family tree. With a blood relation में एक family के 2 या 3 generation दिए होते हैं और उन generation के नेम भी दिए होते हैं. हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और फैमिली ट्री का करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा. Now, beta, I will teach you the topic blood relation with the help of example. If C has 4 sons, A, B, E, and D, and C's father is H, what is the relationship between E and H? What does it mean, beta? यदि C के 4 बेटे हैं और उन 4 बेटों के नाम हैं A, B, E, and D. And C is father, और C के father हैं H. Okay, so you have to tell what is the relationship between E and H. तो आपको ये बताना है कि E और H के बीच में क्या relationship है. बेटा, for explaining this example, I will now draw a family tree. मैं इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए एक फैमिली ट्री ड्रॉ करूंगी एंड यू विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड एच. तो आप ई और एच का रिलेशनशिप आसानी से समझ जाओगे कि ई और एच के बीच में क्या रिलेशनशिप है. ओके, नाउ सी हियर बेटा. सी has 4 sons, means C कौन हुए? Father. Okay, C के कितने बेटे हैं? 4, A, B, E and D. Clear बेटा. Now C के father हैं H. Okay, C के father कौन है? H. तो E कौन हुए? H के grandson. ओके, और एच कौन हुए? ई के ग्रैंडफादर. क्लियर? अंडरस्टूड बेटा, आपको समझ आ गया? ई कौन हुए एच के? ग्रैंडसन, मींस पोता. ओके, और एच कौन हुए ई के? ग्रैंडफादर, मींस दादा. क्लियर? देयरफॉर ई एंड एच आर रिलेटेड एज ग्रैंडसन and grandfather. Clear? Homework questions. बेटा, ये जो मैं आपको homework questions दे रही हूँ ना, 5, ये आपको same जो अभी मैंने आपको सिखाया है, family tree draw करके you have to solve these 5 questions. First of all, you have to draw फैमिली ट्री. सबसे पहले आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, देन यू हैव टू सॉल्व दीज 5 questions. ओके, क्वेश्चन 1, इफ ए इज द ओनली सन ऑफ बी
and A has two sons, X and Y. How X and Y are related? Understood? Yadi A is the only son of B. Yadi A B ka iklota beta hai, A ki beta hai, aur A ke do bete hain, X और Y, तो आपको ये बताना है how X and Y are related. X और Y का क्या relation है आपस में, वो कौन लगे एक दूसरे के. Okay, option A sisters, option B brothers, option C father son, option D brother sister. Clear? As I told you, with the help of family tree, you have to solve all questions. This question 1 also. Now question 2. If B is A's mother, how A and B are related? Option A, sons. Option B, daughters. Option C, mother father. Option D, mother son. What does it mean? Question 2 का meaning क्या है बेटा? कि यदि B is A's mother, B अगर A की mother है, तो आपको ये बताना है कि A और B का क्या relation है? मतलब how A and B are related, इन दोनों का आपस में क्या relation है? ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? Clear? Question 3, if A has two sons C and D, यदि A के दो बेटे हैं C और D, and two daughters, और दो daughters हैं उनकी, दो बेटियां हैं X and Y. Okay, X और Y उनकी दो बेटियां हैं, तो आपको बताना है how Y is related to A. तो Y का A से क्या relation हुआ? वो वाई ए का क्या लगा? क्लियर? ऑप्शन ए मदर सन का रिलेशन हुआ, ऑप्शन बी फादर डॉटर का रिलेशन हुआ, ऑप्शन सी ब्रदर्स का रिलेशन हुआ, ऑप्शन डी सन्स का रिलेशन हुआ. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. इफ ए एंड बी आर ब्रदर्स, यदि ए और बी दोनों भाई हैं, एंड सी इज द सन ऑफ बी, और सी बी का बेटा है, हाउ बी एंड सी आर रिलेटेड? तो बी और सी एक दूसरे के क्या लगे, उनका क्या रिलेशन हुआ? क्लियर? ऑप्शन ए अंकल आंटी, ऑप्शन बी फादर सन, ऑप्शन सी ब्रदर्स, ऑप्शन डी मदर सन. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू ड्रॉ फैमिली ट्री, देन यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 5, इफ सी हैज टू ब्रदर्स, यदि सी के दो भाई हैं, और उन भाइयों के नाम क्या है? ए एंड बी. ओके, डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ ए. डी किनका ग्रैंडफादर है? ए बी एंड सी. डी ए बी और सी का ग्रैंडफादर है. सो हाउ इज डी रिलेटेड टू बी? तो डी का बी से क्या रिलेशन है? ओके, ऑप्शन ए ग्रैंडफादर सन, ऑप्शन बी ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, ऑप्शन सी फादर सन, ऑप्शन डी ब्रदर्स. अंडरस्टूड? You have to solve these 5 questions carefully with the help of family tree. Okay? Homework solution of chapter 8, alphabet series, lecture number 8, which I had assigned to you in the previous week. Question 1. B, D, F, H,
डैश. ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी जे, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी सी. बेटा आपको अल्फाबेट सीरीज का पैटर्न समझना है और मिसिंग लेटर बताना है. क्लियर बेटा? सो लेट स्टार्ट. स्टार्टिंग से ही हम करते हैं. आप अल्फाबेट किससे स्टार्ट करते हो बेटा? ए से. ओके, हेयर ए मिसिंग है और बी गिवन है. इसमें ए मिसिंग है और बी दिया हुआ है. सी इज मिसिंग हेयर, डी इज गिवन. ई इज मिसिंग हेयर, एफ इज गिवन. जी इज मिसिंग हेयर, एच इज गिवन. तो नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा हुआ? आई मिसिंग हुआ. तो नेक्स्ट लेटर इन द गिवन सीरीज विल बी जे. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी जे. क्लियर? अंडरस्टूड? समझ आ गया बेटा आपको? गुड. क्वेश्चन टू. डी कोमा एच कोमा एल कोमा पी कोमा डैश. ऑप्शन ए क्यू, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी एस, ऑप्शन डी टी. बेटा आपको अल्फाबेट सीरीज का पैटर्न समझना है और नेक्स्ट लेटर बताना है. हेयर बेटा एच इज दी फोर्थ लेटर आफ्टर डी. ओके, क्योंकि डी और एच के बीच में कौन से तीन लेटर आते हैं? ई एफ और जी. क्लियर बेटा? देन L is the fourth letter after H. क्योंकि H और L के बीच में कौन से तीन लेटर आते हैं? I, J और K. And P is the fourth letter after L. Okay. क्योंकि L और P के बीच में कौन से तीन लेटर आते हैं? M, N और O. अब आपको बताना है बेटा कि P के बाद फोर्थ लेटर कौन सा होगा? That will be T. Okay, so correct option is D. Clear बेटा? Understood? क्वेश्चन नंबर थ्री. ए जेड कोमा बी वाई कोमा सी एक्स कोमा डैश. ऑप्शन ए ई डब्ल्यू, ऑप्शन बी एल डब्ल्यू, ऑप्शन सी डी डब्ल्यू, ऑप्शन डी डब्ल्यू डी. बेटा यहाँ पर दो दो के पेयर्स में अल्फाबेट सीरीज गिवन है और आपको मिसिंग पेयर बताना है. नाउ लेट स्टार्ट. देखो यहाँ पर तीनों ग्रुप्स में फर्स्ट अल्फाबेट कौन कौन से हैं? इन फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अल्फाबेट इज ए, इन सेकेंड ग्रुप फर्स्ट अल्फाबेट इज बी, इन थर्ड ग्रुप फर्स्ट अल्फाबेट इज सी. नाउ फोर्थ ग्रुप का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा बेटा? डी. So write D here. Clear? Now remaining alphabets are Z, Y, X. और ये reverse orders में alphabets given है. Okay. So next alphabet will be there W. So we will write W here. So which option is correct? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज डी डब्ल्यू. क्लियर? क्वेश्चन फोर. जेड डी कोमा वाई सी कोमा एक्स बी कोमा डैश. ऑप्शन ए डब्ल्यू ए, ऑप्शन बी वी बी,
ऑप्शन सी डब्ल्यू ई, ऑप्शन डी ए डब्ल्यू। बेटा यहाँ पर भी दो दो पेयर्स में अल्फाबेट सीरीज गिवन है। ओके, आपको मिसिंग पेयर बताना है और तीनों ग्रुप्स में फर्स्ट लेटर को आपको देखना है। ओके, फर्स्ट लेटर्स आर देयर इन दीज थ्री ग्रुप्स जेड वाई एक्स। सो नेक्स्ट क्या हुआ, डब्ल्यू, वी विल राइट डब्ल्यू हियर। सिमिलरली हर ग्रुप के सेकेंड अल्फाबेट को देखो, सेकेंड अल्फाबेट कौन से हैं हर ग्रुप के, डी सी बी। सो नेक्स्ट कौन सा हुआ, ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, डब्ल्यू ए। ओके, क्वेश्चन फाइव, ए डब्ल्यू बी कोमा सी एक्स डी कोमा ई वाई एफ कोमा डैश। पार्ट ए, ऑप्शन ए जी एच आई, ऑप्शन बी जी वाई आई, ऑप्शन सी जी जेड एच, ऑप्शन डी ए जेड आई। बेटा इसमें तीन तीन के ग्रुप्स दिए हुए हैं, यू हैव टू सी फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच ग्रुप। आपको हर ग्रुप के फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट को देखना है और उससे मिसिंग ग्रुप का फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट आप इजिली बता पाओगे। क्लियर? नाउ सी हियर, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अल्फाबेट इज ए एंड थर्ड अल्फाबेट इज बी। सेकेंड ग्रुप फर्स्ट अल्फाबेट इज सी एंड थर्ड अल्फाबेट इज डी। थर्ड ग्रुप फर्स्ट अल्फाबेट इज ई एंड थर्ड अल्फाबेट इज एफ। फोर्थ ग्रुप का फर्स्ट अल्फाबेट हुआ जी और थर्ड अल्फाबेट हुआ एच। ओके, नाउ यू हैव टू सी दी रिमेनिंग लेटर्स, दैट इज सेकेंड लेटर ऑफ ईच ग्रुप, दोज आर डब्ल्यू एक्स वाई। सो द फोर्थ ग्रुप सेकेंड लेटर विल बी जेड। क्लियर? सो द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज जी जेड एच। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जी जेड एच।